तो ये गमाश्ते बने हुए हैं, हमारे ऊपर ये मुकदमे दर्ज कराएंगे, ये इस किस्म की बातें होती रहती हैं। लेकिन बात ये है कि अब कौम को चाहिए जो है वो मियां नवाज शरीफ ने बतानी है। मियां नवाज शरीफ ने ये इरादा कर लिया है कि वो सच कहेंगे, और सच इसलिए कहेंगे कि सच में ही इस कौम की बका है, इस मुल्क की बका है। ये 22 करोड़ का मुल्क जो है ये मुनाफकत और झूठ से जो है वो नहीं चल सकता। ये कोई तरीका नहीं है कि एक जर्नैल जो है वो मुजाहिदीन बनाए और दूसरा जर्नैल आके उन्हीं मुजाहिदीन को दहशतगर्द बना दे और ये पूरी कौम जो है उस मुसीबत को भुगते, पूरी कौम खून में नहला जाए और पूछने वाला कोई भी ना हो। एक ऊपर चला गया, दूसरा जो है वो बाहर जाके बैठा है, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये इस किस्म के जो हथकंडे जो है वो 70 सालों से होते रहे हैं, ये अब बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। क्योंकि अगर अब ये बर्दाश्त किए जाएंगे तो फिर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान इस रियासत को जो है वो नुकसान पहुंचने का एहतमाल है। इसलिए मियां नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, इस कौम के साथ खड़ा है, इस रियासत के साथ खड़ा है। इसलिए वो अब सच्ची बात करेगा और वो मुनाफ़क़त और झूठ से काम नहीं लेगा।